पैदा करने का उद्देश्य है। आज इस संबंध में विस्तृत और तथ्यपरक जानकारी देने के लिए हमारे बीच हमारी चिर परिचित, जिनका परिचय उत्तराखंड के लिए तो देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी लोग, जितनी भी ANM हमारी आशा कार्यकर्त्री हैं और गायत्री परिजन हैं, सब जानते हैं डॉक्टर सरोज नेथानी, जिन्होंने 1982 में MBBS KGMC कॉलेज लखनऊ से किया। पुनः उन्होंने PGDMH हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इग्नू से किया, PGDHQM एंड क्वालिटी मैनेजमेंट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बॉम्बे से किया, और संप्रति वे एक महत्वपूर्ण पद पर शासन में, उत्तराखंड शासन में डायरेक्टर के पद पर हैं। उन्हें जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं, उनकी जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है। ये बहुत ही भरोसेमंद अधिकारी हैं और इस समय वे USEX कार्यक्रम पे भी कार्य कर रहे हैं। तो मैं आदर के साथ डॉक्टर सरोज नेतानी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और आज के विषय पर हमारी गर्भवती महिलाओं को, बहनों को उद्बोधन दें। आदरणीय सरोज नेतानी। जी सभी को मेरा प्रणाम। मैं गायत्री परिवार की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और ये सब गुरुदेव जी का ही ज्ञान है जिसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। आदरणीय प्रणव पांड्या जी एवं शैल बाला जी के मार्गदर्शन में एवं हमारी सबकी प्रिय डॉक्टर गायत्री जी द्वारा तैयार किया गया ये जो 9 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, मैं आप सभी को इसमें पुनः स्वागत करती हूँ। आज ये चौथा दिन है और जो गर्भवती माताएं निरंतर 3 दिन से जुड़ी हुई हैं, उनको मैं पुनः प्रणाम करती हूँ और सभी माताएं अपने गर्भ में एक सुनहरा भविष्य का निर्माण कर रही हैं, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो यहाँ पे बैठी हैं, मैं उनको स्वागत करती हूँ। तो पुनः गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान में अपनी कमर को सीधी करके बैठ जाएं और उगते सूरज का ध्यान करते हुए मेरे साथ गायत्री मंत्र को बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रितु। रितु नेक्स्ट स्लाइड। जी आज का जो टॉपिक है वो है गर्भ संवाद। ये गर्भ संवाद क्या है? अगर आप शब्द देखें गर्भ, वूम जिसमें आप अपने बच्चे को रखे हैं, और संवाद टॉकिंग, ये बहुत ही सरल लगता है कि अपने जो शिशु आपके घर में आने वाला है आपने उससे बातचीत करनी है। और ये बातचीत कैसे करनी है? नेक्स्ट, इसमें हमारे पास 8 से 10 टेक्निक्स हैं, पद्धतियां हैं, जैसे आप संगीत के माध्यम से कर सकती हैं, स्वाध्याय के माध्यम से कर सकती हैं, सत्संग से कर सकती हैं, कहानी सुनाने से कर सकती हैं, महापुरुषों की जीवन चरित्र के माध्यम से कर सकती हैं, कोई प्रेरणादायक धारावाहिक के माध्यम से कर सकती हैं, या उससे डायरेक्ट बात कर सकती हैं। जैसे आप रोज का रूटीन करती हैं, आप उठते हैं, बैठते हैं, आप सांस लेते रहते हैं, लेकिन उसी सांस को अगर आप ध्यान से अंदर और बाहर छोड़ते हैं तो वो प्राणायाम कहलाता है। आप घर में एक कमरे से दूसरे कमरे आगे पीछे आप चलते रहते हैं, लेकिन उसी को आप एक प्रॉपर तरीके से जब करते हैं तो वो योग कहलाता है। इसी तरह से जब आप शिशु से बातचीत करते हैं तो वो उसे हम गर्भ संवाद बोलते हैं। तो आप हमेशा ये याद रखें कि आपके गर्भ में जो बच्चा है, आपके शब्द ही नहीं,
आपके भाव, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी ध्वनि जो है वो हर कुछ को वो महसूस कर रहा है। और आप ये ना सोचें कि आपने सिर्फ गर्भ धारण किया है, आप ये सोचेंगे कि ये इसको आपने मस्तिष्क में रखना है। और जब भी आप कोई भी कार्य करें, आप उठते बैठते दिन भर की चर्या में इसको अपने जहन में रखिए कि मेरे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, तो जो भी मैं कार्य दिन भर में करूं इस शिशु को अपने दिमाग में ध्यान रखते हुए आप करेंगी। और जिस तरह से फिर आप दिनचर्या करेंगी तो इसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। अब इसके फायदे क्या हैं? तो आपको दिख रहा है गर्भ शिशु के साथ जन्म से पहले ही एक अटूट रिश्ता आपका उसके साथ बन जाएगा। आप जैसे गुणों की संतान चाहते हैं, अभी हमारे राधा कृष्ण सेवाल भाई साहब ने बताया माता मदरसा की कहानी, जो हमारी गायत्री जी भी बार बार सुनाती हैं, और आप बार बार ऐसी अनेकों कहानियां सुनते रहते हैं। तो जैसे गुण आप अपने शिशु में चाहते हैं, वैसे ही गुण के आप अपना शिशु पा सकते हैं। और गर्भवती शिशु का पूरा विकास होगा हर तरह से। और ये आपको पता है WHO की भी परिभाषा है कि आपको शारीरिक रूप से ही स्वस्थ शिशु नहीं चाहिए, पर आपको मानसिक, सोशल, स्पिरिचुअल हर डायरेक्शन में आपको उसका विकास करना है। इसके आगे मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से संतुलित, वो भावनात्मक रूप से सक्षम भावी पीढ़ी का निर्माण करना है। तो ये इसके फायदे हैं। जी नेक्स्ट, कौन कर सकता है? गर्भवती माता कर सकती है, पिता कर सकते हैं, और परिवार के अन्य सदस्य कर सकते हैं। तो जितने लोग उस बच्चे के इंटरेक्शन में आते हैं वो कर सकते हैं, उसके भाई बहन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमने कहा कि ध्यान के द्वारा, तो ध्यान में क्या होता है? जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होता है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। और ये हार्मोन जब रिलीज होता है और हमारे ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस होता है, उसका आकार बढ़ जाता है, इससे हमारे अंदर बहुत एक अच्छे खुशी के हार्मोन, खुशी जैसा भाव आता है। तो जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आहार वैसा विचार, वैसा ही असर आपके बच्चे पे पड़ता है। तो आपका ध्यान हमेशा, आप इस तरह से जैसे आप अगर बैठे हैं ध्यान में, तो आप एक उगते सूरज का ध्यान करिए, उसका लाल पीला जो रंग है, उसकी जो प्रकाश है, आपके नाभि चक्र से आपके शिशु की ओर जा रहा है और आपका शिशु तेजस्वी और प्रभावशाली हो रहा है। तो मेरे साथ यदि आज बहुत सारी गर्भवती माताएं जुड़ी हैं, वो इसको अभी बैठे बैठे कर सकती हैं, अपने अपने पेट पे अपना हाथ रखें और बिल्कुल पल भर के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक उगते सूरज का ध्यान कीजिए। और उगता सूरज, जो सुबह टाइम से उठते हैं उन्होंने उगता सूरज जरूर देखा होगा या तो पिक्चर्स में देखा होगा, अब उगते सूरज का ध्यान करें और उसकी जो तेजस्वी है, जो उसकी रोशनी है और उसके जो रंग है, जो उसका प्रकाश है, उसको नाभि के रास्ते से अपने शिशु के पास उसको भेजिए। और आप देखिएगा, क्योंकि जो शिशु है, जो पोषण लेता है, आपकी नाभि से ही लेता है, और इससे आपके शिशु पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये आप जब ध्यान जो भी है इसको करें। अब ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि जब हम लोग कहते हैं त्रिसंध्या में ध्यान करना चाहिए, तो त्रिसंध्या में आप सुबह सुबह उठे, आप सूर्य का ध्यान कीजिए कुछ सेकंड के लिए। शुरू में आप कुछ सेकंड्स के लिए करिए, कोई भी कार्य जब हम करते हैं एक साथ बहुत लंबे समय के लिए मत करिए, फ्यू सेकंड्स के लिए करिए। वैसे नहीं कर रहे तो घड़ी से करिए, एक सेकंड, दो सेकंड, मतलब एक मिनट, आधा मिनट, ऐसे करके करिए और सूर्य का ध्यान करिए। मध्य में दोपहर के टाइम पे एक या दो बजे एक मोमबत्ती जला के इस मोमबत्ती की लौ पे आप ध्यान करिए। आप इसको सीरियसली करिए और आप उसको तब तक लौ को देखते रहिए जब तक कि आपकी आंखों से आंसू नहीं आ जाता, पलक छपकाइएगा नहीं। और यहां से आप देखिएगा, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो चैन से नहीं बैठता है, इसमें हजारों
हजारों लाखों विचार आते हैं दिन भर में, तो ये एक समय होगा जिस वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और इस तरह से आपके शिशु पे इस पे फर्क पड़ेगा। इसी तरह से सायकाल में, पीछे चलिए प्लीज ऋतु जी, सायकाल में आप नाद योग का ध्यान किए। यदि आप में से जो लोग शांति कुंज आए हैं या नहीं भी आए हैं, तो बहुत अच्छा नाद योग वहां बजता है जिसमें शिव का डमरू, कृष्ण जी की बांसुरी या अन्य इस तरह का जो साउंड है, वो करीब शाम को 6:15 बजे आप इसको सुनिए। अगर उस वक्त नहीं सुन सकती तो और देर शाम को सोने से पहले सुन लीजिए। इसकी इसकी क्या वजह है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब आप दिन भर का कार्य करके बैठते हैं एक स्थान पे, तो आप दिन भर के जो आपने जो भी काम किया है, जिससे भी आपने संपर्क किया है, वो सब की बातें आपके दिमाग में आती हैं, अच्छी बुरी सब आती हैं। और मैंने जैसे कहा, ये सब भाव आपके बच्चे पे असर करते हैं, तो इसलिए इस टाइम पे जब आप ध्यान करते, नादियों या अन्य का ध्यान करते हैं, तो आपके जो रिलैक्सेशन होता है, आप ये अननेसेसरी चीजों की छन्नी की तरह उसको क्लीन करके आप सही डायरेक्शन में जाती हैं। तो इस तरह से आप ध्यान के तरीके से अपने शिशु पर संवाद कर सकती हैं। नेक्स्ट, तो अभी मैंने आपको बताया इसमें जो हिप्पोकैम्पस है, ये जो साइंस के लोग हैं, आप इसको पढ़े और अन्य के लिए आप बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने की शक्ति, आपकी डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ती है, तो ध्यान अवश्य करें। नेक्स्ट, जो ब्रेन में जो मेडिटेशन हम करते हैं, जो अभी आपने कहा ना जो ध्यान करते हैं, तो ये सब बहुत सारी चीजें इस पे लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको हिंदी में पढ़ के बताती हूँ। पहले तो आपके ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो बढ़ जाता है और आपकी स्किल बढ़ती है, आपके आपको भाव कंट्रोल करने, जब भी हम करते हैं ना, हमें भाव कंट्रोल में करना, अपने इंद्रियों को वश में रखना, आपको वाणी को वश में रखना, बहुत सारी चीजों को हमें कंट्रोल में रखना होता है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी आपका बड़ा हो जाता है। जैसे कई लोग होते हैं ओल्ड एज में, अगर लोग, कई लोग देखा 50 साल के भी होते हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है 20 साल से बच्चे से भी उसका तेज चलता है, क्योंकि वो लोग ध्यान करते हैं। तो इस तरह से जब आप ध्यान करती हैं तो आपके बच्चे पे पॉजिटिव हार्मोन्स का इफेक्ट आता है। नेक्स्ट, माता मदरसे की कहानी आपको सीमा जी ने सुना दी है, बाकी कहानियां आप खुद पढ़े, ये आपके रेफरेंस के लिए है, ये मैं समझती हूँ, मैं आपको होमवर्क भी दे रही हूँ, तो ये पढ़े। जब ये कहानी आप पढ़ेंगे तब आपको और जो बातें ये हम जो आज बता रहे हैं, ये हमारे गुरुदेव जी द्वारा पुराने जो हमारे पीढ़ी के अंदर जो पुराने हमारे शास्त्रों में है ये लिखा हुआ है, और वहां से पिपला जी एक हमारे बहुत पुराने गर्भोपनिषद में इस तरह की बातें लिखी हुई है, और वो इस तरह से वो धीरे 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 आगे जनरेशन में पास हो रही है, यहाँ तक कि विदेश के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम मैं आगे आपको बताऊंगी, उनके द्वारा भी ये रिसर्च करके नए रूप में सारी दुनिया में बताया जा रहा है। तो आप अपनी पुरानी पीढ़ियों से जुड़ के ये आप ज्ञान इसको ले लें। नेक्स्ट, स्वाध्याय, जिस तरह से आप ध्यान करती हैं उस तरह से आपको स्वाध्याय, स्वाध्याय मीन्स खुद का अध्ययन करना, खुद के अध्ययन जब हम करते हैं तो आप अपने आप को एक शीशे की तरह परखते हैं और आप एनालिसिस करते हैं कि आज मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने क्या सोचा, क्या बोला, मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया, इस तरह से भी शिशु पे बहुत असर पड़ता है। नेक्स्ट, प्रार्थना, अब आप कहेंगे कि प्रार्थना तो हम करते ही हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं या जब आप स्वाध्याय करें या जब आप सुबह के टाइम ध्यान करें, उस समय आपने शिशु के साथ वार्ता करके करना, आपने बोलना है चलो बेटा या बच्चे, अच्छा बोलो चलो बच्चे, चलिए आप पूजा करते हैं, पूजा का टाइम हो रहा है, अभी शाम की 6 बजे हैं,
मुझे आरती करनी है, हमें दिया जलाना है, तो जब ऐसी चीजें आप बच्चों के सामने रखते हैं तो ये उनकी आदतें उनके जीवन में भी आ जाती हैं, उनकी आस्था भी एक भगवान की तरह हो जाती है। तो इस तरह से आप अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ को जरूर लाइएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब है मेन कि माता के द्वारा जब संवाद होना है तो हमें क्या क्या करना है। ये तो मैंने कहा कि जो आप छोटी छोटी जो जो चीजें करती हैं उसमें हमेशा आपने उठते बैठते, मैंने कहा ना गर्भ को धारण ही नहीं किया है उसको। नीरज, ओ नीरज, वो चंदा को बुला तो छोटे से, वो खुद ही हो गई, जल्दी जाओ।
मेरा स्क्रीन को दिखाएं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी, और मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी फेलियर हो गया। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि माता द्वारा संवाद कैसे किया जाना है, और आपको पति का परिचय दीजिए, परिवार का परिचय दीजिए, परिवार का महत्व बताइए, देश प्रेम के बारे में बताइए। नेक्स्ट। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि गर्भ में जब शिशु है तो आपने सीधी बातचीत कैसे करनी है। तो आप ऐसे बोलेंगे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे गर्भ में आपका स्वागत है, हम भाग्यशाली हैं कि आप हमारे घर आ रहे हैं, आप सुंदर, प्रखर और प्रभावशाली हैं, हम सब आपका स्वागत कर रहे हैं, आप पूरे 9 माह पूरे करने के बाद हमारे घर आना। इस तरह से आपने अपने बच्चे से बात करनी, आपने ऐसे बात करनी है जैसे कि आप किसी जो आपके सामने खड़े हैं, आपने ऐसे बात करनी है, ठीक है। तो ऐसे वो आपको आपको महसूस होगा, उस गर्व को भी महसूस होगा कि आप ऐसी बातें कर रहे हो। अब जैसे आप सुबह उठे तो आपने कहा, बेटा चलो उठो, सुबह हो गई है, पूजा करते हैं, अब कुछ खाते हैं, या फिर अब थोड़ी देर हो गई, अब चलो घूमने चलते हैं, हम थोड़ा वॉकी वॉकी करते हैं। आपने देखा होगा जब हम बच्चों से बात करते हैं तो बड़ा सिंग सॉन्ग टोन में करते हैं, एक लंबे से लिहाजे में करते हैं। ये जो शिशु होता है आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, पानी में वो तैर रहा होता है, तो जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं आपके उसके अंदर से तरंगों की तरह बच्चे पे जाती हैं और महसूस करती हैं, ठीक है। तो आपको उस लहजे से जैसे आप छोटे बच्चों को पुचकार के बात करती हैं, इस तरह से आप जैसे इंग्लिश में इसको ललाबाई बोलते हैं या आप लोड़ी की तरह बोलती हैं, इस तरह से आप अपने बच्चे के साथ सिंग सॉन्ग टोन में गाएं। नेक्स्ट ऋतु, वही जो मैंने कहा, आप अपनी रोज की दिनचर्या में उसको शामिल करें, आपने क्या पहनना है, चलो अभी तैयार होते हैं घूमने जाते हैं तो आप में क्या कपड़े पहनूं, अच्छा मैं ये पहनती हूँ, ये ठीक है ना। तो जब इस तरह से बातें करती हैं, कोई किसी को तो सुनने में लगेगा कि ऐसे बातें कैसे हो सकती है, लेकिन आपको बता दूं इससे बच्चा जब आगे जब बड़ा होता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, उसकी उसको इम्पोर्टेंस फील होती है, उसको फैमिली का जो एक हिस्सा वो बहुत अच्छी तरह उसमें महसूस करता है। नेक्स्ट। इस तरह से आप फूलों का गुलदस्ते की पेंटिंग, कोई बड़ी सी पिक्चर आप लेके अपने या तो रसोई में रख लीजिए, आप अपने डाइनिंग हॉल में रख लीजिए, या आप अपने बेडरूम में रख लीजिए, और प्रत्येक रंग के जो फूल इसके अंदर हैं आप उसमें वो सब गुण लिख दीजिए जो आप चाहती हैं कि आपके बच्चे में हो। जैसे आप एक पे लिख दीजिए, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, दूसरे में कि वो सुंदर है, तीसरे में वो समझदार है, चौथे में वो निरोगी है, वो प्रखर है, ईमानदार है, बहादुर है, समझदार है, साहसी है, तेजस्वी है। तो आप है करके बोलना है, आप हो बेटा, आप ऐसे हो बेटा, आप ऐसे हो, और दिन में आप जब बार बार उसके सामने से जा, ये मैंने एरोज ऐसे खाली छोड़े हैं, आपको जो जो गुण है जितने हैं आप उस पर लिखते चले जाइए, और बड़ी पिक्चर नहीं तो आप छोटी सी एक पिक्चर बना लीजिए अपने लिए, और अपने इर्द गिर्द उसको कहीं पे रख लीजिए जहां पे आप उसको देखती रहेंगी, और जब ये शब्द आपके जहन में बार बार जाएगा और वो शिशु तक ट्रांसमिट हो रहा है कि बेटा आप बहुत साहसी हो, आप बहुत समझदार हो, तो उसका असर बच्चे पे जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट। कहानियों द्वारा तो आपने बच्चे को प्रेरणाप्रद कहानियां सुनाइए, जैसे अभी माँ है, ये भी गर्भवती माँ है, इनके 2 बच्चे हैं, ये लोग मिलके कहानी बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, और आपका बच्चा भी कहानी सुन रहा है, तो इसमें आपको कहानी सुनने और सुनाने का समय फिक्स करना होगा।
जैसे आप कहें कि रोज शाम को चार, जब पूरा घर का काम खत्म हो गया, आपने खाना भी खा लिया, सब अपने बर्तन चौका सब संभाल लिया, और अब आप थोड़ी देर आराम से अपने बच्चे के साथ बैठ गए, ठीक है, आप एक किताब लेके बैठ गई, या आपको कोई कहानी पता है तो वैसे ही सुना लीजिए और बोले चलो बच्चे आप, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। और आप देखिएगा, अगर वो टाइम आप फिक्स करेंगे तो जिस दिन आप वो कहानी, उस वक्त जैसे 4 बजे का आपने टाइम फिक्स करा और 4 बजे आपने कहानी नहीं सुनाई, तो आपको अंदर से बच्चा आपका किक करेगा और आपको लगेगा हाँ मैं कुछ भूल गई, मैंने आज उसको कहानी नहीं सुनाई। तो शुरू शुरू में आपको ऐसा भी महसूस होगा, और हम चाहेंगे आप इसको अपने ऊपर अजमाएं, जो आप जिनको जानते हैं उनके साथ भी अजमाएं, और फिर हमें फीडबैक भी इसके बारे में दें, ठीक है। नेक्स्ट, तो कहानी कैसे सुनानी, आप जोर जोर से पढ़ से किताब लेके आप उसमें जोर जोर से पढ़ के सुनाएं। तो आप अच्छी अच्छी पुस्तकें, जैसे आप रामायण, जिसमें राम जी की चरित्र के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, आपकी लक्ष्मण जी, जैसे लक्ष्मण जी से भाई जैसे भाई, सीता जैसे पवित्र स्त्री, और हनुमान जी जैसे भक्त, इसी तरह से भगवत गीता में आपके अर्जुन हो गए, तो इस तरह से आप शिवाजी जैसे बहुत बलवान और साहसी, तो इस तरह की आप कहानियां जोर जोर से अपने बच्चे को सुनाएं। नेक्स्ट, इसी तरह से महापुरुषों की जीवन चरित्र के माध्यम से आप उससे संवाद करें। तो जो भी आपको मैंने आपको कहा, चॉइस आपकी है गुण लाने के लिए। देखिए, शादी हो जाना और माता पिता बनना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे माता पिता होना, उच्च चरित्र के माता पिता होना, और वह संतान आपको ऐसी चाहिए जो सब गुणों से संपन्न हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। माता पिता परिवार सबको मिलकर 9 महीने ये मेहनत करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि माँ ही सुनाए, आपकी दादी भी कहानी सुना सकती है, नानी भी बैठ के कहानी सुना सकती है, कोई बहन आपकी, जो चाहे आप बैठ के कहानी सुना सकते हैं। तो इस तरह की कहानी सुनाने से बच्चे पे असर होता है। एक जो जो हमारा, आपने अभिमन्यु की तो कहानी सुनी होगी, तो अभिमन्यु जी भी तो जब गर्भ में थे तब उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने की वो सुनी थी, लेकिन वो उनकी सब कॉन्शियस में चला गया था, और जब वो बाद में जब युद्ध भूमि में गए तो वो अचानक उनको याद आया, तो कहां से, किसी ने तो उनको बीच में कभी नहीं सुनाया। तो इससे आपको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। इस तरह की बहुत हजारों कहानियां हैं, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे आपको बहुत ऐसी कहानियां मिलेंगी। आपको बता दूं, जो शिशु होता है उसका जो पूरा बॉडी होता है वो एक साउंड रिसीवर की तरह काम करता है। अल्फ्रेड कमिटी है तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे कान में एक सेल ऑफ कॉटाई होता है जो साउंड रिसीवर होता है, साउंड को लेता है जो, तो जो हमारा गर्भ का जो जो शिशु, जो हमारे गर्भ में जो शिशु होता है उसके पूरे शरीर का जो सरफेस होता है, इट इज फुल ऑफ दीज सेल्स, ये जो कॉटाई सेल्स है, और ये एक बहुत बड़ा साउंड रिसीवर के तरह काम कर रहा है। तो आप सोच सकती हैं, जब छोटा सा एक सेल से हम इतना साउंड रिसीव कर रहे हैं, तो वो जो गर्भ में जो शिशु है उसको आप कितना साउंड दे रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि उसको कैसा ध्वनि दें, अच्छा दें बुरा दें, ये आपको खुद डिसाइड करके इस तरह का वातावरण उस बच्चे अपने शिशु के लिए तैयार करना है। और ये भी बता दें, जो शिशु होता है वो सोल कॉन्शियस होता है, ठीक है, जिसके कारण उसका जो सब कॉन्शियस है वो बहुत एक्टिव होता है, और वो कुछ भी आप जो बोल रही हैं सुन रही हैं वो रिसीव करने के लिए बहुत ही रिएक्टिव होता है। इस समय वो एक कंप्यूटर की तरह होता है, जैसे कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे वो वैसे ही काम करेगा। इसी तरह से जब आपके गर्भ में जब शिशु होता है तो वो भी एक
प्रोग्रामिंग की तरह वहां हो रहा है उसकी सबकॉन्शियस में, उसका सबकॉन्शियस माँ के सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। तो जैसे माँ का चिंतन है वैसा ही उस बच्चे का चिंतन होता है, वो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है, है ना। और एक स्पंज या ब्लॉटिंग पेपर, स्पंज आपको मालूम है ना पूरा चूस लेता है, ब्लॉटिंग पेपर जैसे इंक गिरती है तो आप ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं, तो उस तरह से वो सारा जो उसके इर्द गिर्द जितना भी साउंड आ रहा है वो सारा साउंड को एब्जॉर्ब कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं जिस तरह का शिशु आप गढ़ना चाहती हैं आप वैसा शिशु गढ़ सकती हैं। सो आपको हमेशा याद रखना है, आपने इस तरह की कहानियां सुनानी और बोलना है कि मेरे बच्चे आप भी ऐसे ही हो। जैसे आपने सपोज अब्दुल कलाम जी की कोई कहानी सुनाई और बताया कि वो कितने मेहनती थे, कितने सरल थे और इंटेलिजेंट थे बहुत ज्यादा, और आप फिर बोलेंगी कि मेरे बच्चे आप भी ऐसे ही हो। आप ऐसे मत बोलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे बनो, आप कहेंगे आप भी ऐसे ही हो। इस तरह से आप प्रेजेंट टेंस में उनसे आप बात करेंगे। एक और बताएं कि जो मेमोरी होती है, हमारी जो याददाश्त होती है, दो तरह की याददाश्त होती है। नेक्स्ट ऋतु, हमारी याददाश्त दो तरह की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है जैसे 10 दिन पहले मैं किस किस से मिली, 1 हफ्ते पहले मैंने नाश्ते में क्या खाया, इस तरह की चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट वैसे होती है लेकिन हमें याद नहीं रहती, हमें थोड़ा दिमाग में जोर लगाना पड़ता है। और दूसरी होती है हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट जैसे एक बार आपने तैरना सीख लिया आप कभी नहीं भूलेंगे, आपने साइकिल चलानी सीख ली कभी नहीं भूलेंगे, आपने गाड़ी चलानी सीख ली कभी नहीं भूलेंगे। तो जिस तरह से अभिमन्यु की कौन सी मेमोरी थी, इम्प्लिसिट मेमोरी। आप उसको एक बार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गई थी वो जब माँ के गर्भ में थे, और 16 साल के बाद जब वो वैसे ही वातावरण में आए तो सीख गए। इसी तरह से अगर आपको तैरना आता है और कोई आपके पानी में फेंक दे, पता चला आपने 20 साल से तो स्विमिंग ही नहीं करी लेकिन आपको कोई पानी में फेंक दे आप फट 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 उसमें स्विमिंग कर लेंगे। तो इस तरह से गर्भ के अंदर भी जो शिशु पल रहा है वो आपकी जितना भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो उसमें आ रहे हैं। तो ये जो मैंने कुछ लिखे हैं इस पे अच्छे गुण, तो क्या क्या अच्छे गुण है आप अपनी सूची खुद बना दीजिए कि बड़ों का आदर सम्मान करिए, सुबह जल्दी उठिए, सच बोलो, चोरी नहीं करो, बड़ों के पैर छुओ, सहयोग करो, दयालु हो जाओ। तो जितने सारे गुण हैं, लेकिन पहले माता को ये करना होगा, माता पिता को भी करना पड़ेगा, घर के अन्य परिवार को भी करना पड़ेगा। तो पूरा वातावरण उस अपने शिशु के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये छोटी सी कहानी है। दो बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते वो जंगल में दूर कहीं चले गए। नेक्स्ट, ये भाई बहन है, एक लड़की फलों की टोकरी पीछे चलिएगा, हाँ, एक लड़की फलों की टोकरी लेके आ रही थी तो फल उसके हाथ से गिर गए और वो रोने लगी। तो जब वो रोने लगी तो भाई बहन ने देखा, क्योंकि वो जो लड़की गिरी थी वो उसकी बहन से टक्कर खा के गिरी थी, तो बहन रोने लगी। भाई ने कहा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। बहन ने कहा नहीं भैया, चलो यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो हमको यहाँ से भाग जाते हैं, अब उसके फल गिर गए अब हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट, तो बच्चे ने बोला नहीं नहीं ऐसा भागेंगे तो नहीं, लेकिन चलो माँ के पास चलते हैं और माँ से पूछते हैं हम क्या करें। तो वो भागे घर में गए और माँ के पास गए तो माँ ने कहा कि बेटा हम तो बहुत गरीब हैं, उसका फल गिर गए कोई बात नहीं, वो उठा लेगी चली जाएगी, छोड़ दीजिए। तो माँ बच्चे ने ये जो लड़का था इसने कहा नहीं 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 माँ ऐसे नहीं, अच्छी बात नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो रखे हैं, मैं उस बच्ची को दे देते हैं हम लोग और वो अपना जो उसका नुकसान हुआ है उसका पूरा हो जाए। तो फिर माँ ने सोचा और माँ ने कहा ठीक है आप दे दो। तो यहाँ पे ये जो कहानी है ये हकीकत है और ये बच्चा आगे जाके नेपोलियन बोनापार्टी बना था। तो इस तरह की जब आप बड़े लोगों की जीवनी की कहानी सुनाते हैं
तो उसका बच्चों पे असर पड़ता है। नेक्स्ट, इसी तरह से इस कौवे की कहानी, ये तो पुरानी कहानी तो आपको पता ही है कि वो पानी के घड़े में कंकड़ डालते रहा और पानी ऊपर आ गया, लेकिन आज के जमाने में कैसे स्मार्ट हो गए, स्ट्रॉ आ गई। तो इस तरह से आपको ऐसी कहानियां भी सुना सकते हैं जिसमें आपका लेटेस्ट या इंटेलिजेंस आपकी बच्चे में आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट, संगीत। संगीत हम सबको बहुत प्रिय है और हम लोग सब संगीत सुनते हैं। आपने देखा होगा, आप अच्छा संगीत सुनते हैं आपका मूड वैसा हो जाता है, आप कोई रोमांटिक सुनते हैं तो आप उस भाव में चले जाते हैं, दुखी वाला सुनते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। तो संगीत का इसी तरह से बच्चे पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो अभी मैं आपको बता रही थी कि आप लोग संध्या के समय एक नाद योग सुन सकते हैं। तो मैं चाहूंगी ऋतु जी आपको थोड़ा, जब ये आप नाद योग सुने तो जो गर्भवती बहनें हैं वो थोड़ा सा आंखें बंद करके इसको महसूस करें कुछ पल के लिए। ऋतु जी शुरू कर लीजिए। अनुभव किया है कि इस ब्रह्मांड में एक दिव्य नाद बराबर इंद्रित हो रहा है। उस नाद में सभी स्वर एवं सभी आव समाये हुए हैं। नाद में संगीत में प्राणियों के अंदर भाव संवेदना जगाने की क्षमता है। जीवन की संवेदनाएं सूख जाने पर जीवन नीरस हो जाता है। संवेदनाएं जाग जाए तो मनुष्य और भगवान के बीच दिव्य आदान प्रदान हो जाता है। अभी जो संगीत बजेगा उसे अपने भीतर तरंगित होने दें, भावना करें कि संगीत की लहरों के साथ दिव्य संवेदनाएं संचारित हो रही है। जब भगवान कृष्ण की बांसुरी शिव का गहरी का स्वर है, इनके साथ शरीर का कंपन, मन अंतरकरण सब लग रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, अंदर के विकार शांत हो रहे हैं, आनंद भरी पुलकन लह रही है। नाद समाप्त होने पर कुछ देर शांत मौन है, साधना के प्रभावों से स्थित होने। चलिए नेक्स्ट प्लीज। रितु नेक्स्ट प्लीज। रितु नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
रितु नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके आप बात आगे तो नहीं चली गई, आपको दिखाई दे रहा है? मैं तो नेक्स्ट. हाँ हाँ दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, सॉरी सॉरी इट्स ओके. तो ये जो जी 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 इसी तरह से आप बांसुरी और सितार वादन का संगीत सुने, ये बहुत इनमें बहुत वाइब्रेशंस होती है. जैसे कि आप मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण का भाव बहुत अच्छा होता है. और आपने खुद भी देखा होगा जब आप कभी कुछ मंत्र सुनते हैं तो आपके हाथों में थोड़ा रोंगटे से खड़े हो जाते हैं या आपकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं. बहुत अच्छा सा सुकून सा आपको महसूस होता है. तो जब ये आपको करता है तो आपके शिशु को भी इसका प्रभाव पड़ेगा और इससे आपकी धड़कन थोड़ा बढ़ेगी, आपका जो शिशु है उसका वजन भी बढ़ेगा और जो आपकी न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स हैं, करीब 700 to 800 रोज बनते हैं. इसमें आपके शिशु के डेवलपमेंट में भी आपको फायदा होगा. आगे चले, आगे चले रितु जी. इसे शंख जो होता है ना, शंख की आवाज जो होती है, इसकी जो ध्वनि होती है, ये बहुत डिवाइन फ्रीक्वेंसी इसमें एमिट होती है. और ये जो सर्कल्स आप देख रहे हैं और नीचे जो लास्ट में किया है कि आपके अंदर फिर पॉजिटिव एनर्जी आती है. तो कभी आप शंख को बजते हुए सुने तो आपको ये महसूस होता होगा. और हम मैं चाहती हूँ कि आप अपने शिशु को जरूर इसकी ध्वनि सुनाएं. नेक्स्ट ऋतु. ये जो मॉडर्न साइंस में जो इसका एक द सीक्रेट लाइफ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, थॉमस वर्नी है, इन्होंने लिखा है. इसमें म्यूजिक का कितना बड़ा और वाइब्रेशंस का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इसके बारे में ये लिखा है. और ये बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं जो कनाडा से पढ़ने के बाद यूएसए चले गए थे. एंड इन्होंने अपने बातों द्वारा ही लोगों को धीरे धीरे म्यूजिक और किस तरह से इन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक करा है, इसके बारे में स्टोरीज हैं. तो म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इन्होंने इस तरह से एक अनबॉर्न चाइल्ड को किस तरह से हेल्प करता है इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है. और हमारे शांति कुंज में भी हमारी गायत्री दीदी जी और ऋतु बहन जी ने मिलके समय समय पर सुबह कौन सा संगीत सुनना है, दोपहर को कौन सा सुनिए और रात को कौन सा सुनिए, वो पूरा खजाना तैयार है और आप जब चाहें उसको हम लोगों से ले सकते हैं. नेक्स्ट. ऋतु जी से मैं चाहूंगी, ऋतु जी जल्दी जल्दी बस आधा आधा मिनट के लिए दोनों को बजा दीजिए. सब बहनें ध्यान से सुने. मेरा मस्त
लगा है जिसमें कण कण मेरा डूब जाए। आज इतना मुझे प्यार दुआ जिसमें कण कण मेरा डूब जाए। नेक्स्ट ऋतु। थैंक यू ऋतु जी। स्लाइड नहीं चेंज हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड चेंज हुई। चेंज कर रही हूं मैं। अब दिखाई दिया नहीं। कोई नहीं, नहीं तो आप वापस उसमें आ जाइए, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ फिर। इसके अलावा आप परिवार के सदस्य भी मिलकर पीछे आ जाइए, परिवार के सदस्य भी मिलकर अपने शिशु से बात करें। और इसमें आप लोग ये ध्यान रखें कि हर सदस्यों की पांच पांच अच्छे अच्छे गुण अपने शिशु को बताएं, ताकि आपका शिशु उनके साथ जब बड़ा हो तो रिलेट करने लगे। जैसे इसमें देखा आप, आपके पिताजी के साथ न्यू बॉर्न बेबी कैसे मुस्कुरा रहा है, क्योंकि इन्होंने जब वो गर्भ में था उनके साथ काफी संवाद किया था। तो इस तरह से बहुत अच्छी सी इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। और नेक्स्ट ऋतु, नेक्स्ट हमारी बहनें सभी टीवी बहुत देखती हैं, तो टीवी में आप ऐसे ही धारावाहिक देखें जो कि आपको थोड़ा प्रेरणादायक हो। मार धाड़ लड़ाई झगड़े वाले धारावाहिक ना देखें। धारावाहिक ज्यादा से ज्यादा एक से दो घंटे से ज्यादा ना देखें, क्योंकि अगर और टीवी के आगे तो आप खाना लेके बिल्कुल भी ना बैठें। अगर आप टीवी के आगे खाना लेके बैठेंगी तो आपका शिशु भी आपको मोबाइल और टीवी के सामने ही बिठा के खिलाना पड़ेगा, या बच्चा आगे आगे माँ खाना लेके पीछे पीछे, और ये एक बहुत ही मुश्किल और ये एक अच्छी चीज नहीं है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी। जिस वक्त जो काम करते हैं उसी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये एक अलग से टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं तो इस चीज का भी ध्यान दें कि टीवी का भी टाइम रिस्ट्रिक्ट करें, एक से दो घंटा रोज ना करें। समाज, नेक्स्ट, समाज में जो अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं उसके बारे में शिशु को जरूर बताएं। जैसे आजकल कोविड में लोगों ने पानी बांटा, खाना बांटा, लोगों ने मदद की किसी को, ट्रेन की टिकट, हवाई जहाज की टिकट, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। स्वच्छता के बारे में बात बताइए, जैसे आजकल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, हरियाली के बारे में, पौधे क्यों लगाने चाहिए, पौधों से क्या फायदा होता है, या जो भी अच्छी अच्छी खबरें आती हैं, अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चे को बताएं। आप अपने जन्मदिन और एनिवर्सरी पे केक काटते हैं वो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप किसी वृद्धाश्रम या ब्लाइंड स्कूल या कोई अन्य स्थानों में जाके अगर कुछ अच्छा कार्य करते हैं, तो इस तरह से बच्चे के संस्कार में भी ये गुण चले जाते हैं। नेक्स्ट, मैं आखिर की ओर आ रही हूँ। हम WHO ने, नेक्स्ट चलो ऋतु, नेक्स्ट, WHO ने ये बताया है कि हम लोग को अभी टोटली फिजिकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के टूअर्स हमें जाना चाहिए। नेक्स्ट, अभी भी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जब किसी को हायर करती हैं तो वो एक इमोशनल कोशेंट होता है, वो बहुत हाई कोशेंट, अगर किसी का IQ थोड़ा सा कम भी हो पर इमोशनल कोशेंट अगर उसका 70% और 75% होता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए आपको भी उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसकी ओर ध्यान देते हुए अच्छे अच्छे गुणों के लिए बच्चे से संवाद अच्छी तरह करना चाहिए। माता को माँ जैसा चाहे मन चाही संतान गढ़ सकती है, इसीलिए माँ को जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग माने निर्माण, तो वो एक निर्माणदाता है और वो एक ईश्वर के द्वारा बनाई गई
सृष्टि की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति का निर्माण करती है। हम लोग चॉइस के मामले में बहुत आगे होते हैं। महिलाएं जब बाजार जाके कुछ छोटी मोटी चीज भी खरीदती हैं, सब्जी के ठेले में भी खड़ी होती है, तो 20 या 30 रुपए किलो की चीज को भी चुन चुन के खरीदती है, तो यहाँ तो वो उसको पूरा एक अपने लिए एक शिशु तैयार कर रही हैं। तो वहां पे उसको ध्यान देते हुए अपने जो जो गुण उसको अपने बच्चे में ढालने हैं, उसको गढ़ें, ताकि आपका हमारा भारत का संसार का सृष्टि का सबका एक सुनहरा भविष्य रहे। ये इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। प्रणाम। ऋतु जी हो गया,